वनराई पुलिस स्टेशन का ये एक बहुत अच्छा डिटेक्शन है। 15 इस महीने की 15 तारीख को एक घरफोड़ी हुई थी गोरेगांव ईस्ट में, एक जो मेटल शॉप था उसमें से लगभग 1300 किलो निकेल और कॉपर का चोरी हुआ था। कुल मिला के माल जो था लगभग 6.5 किलो का था, 6.5 लाख का था सॉरी। गुना दाखिल करने के बाद लगभग 10 दिन लगातार यहाँ के जो डिटेक्शन का स्टाफ है, डिटेक्शन ऑफिसर गांगुड़े और उनके जो स्टाफ सीनियर पे ACP, ये सारे लगातार 10 दिन तक पूरा जो टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर उन्होंने पिन पॉइंट करके जो आरोपी है वो पिन पॉइंट किए थे। और फिर जब इंफॉर्मेशन उनकी मिली तो 26 तारीख को ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो चारों संशयित आरोपी है वो पास हो रहे हैं मुंबई की हद से। तो दहीसर चेकनाका में स्पेसिफिक इनपुट मिलने के बाद जो एक व्हीकल थी मारुति इको कार, उसमें उनको इंटरसेप्ट किया गया और चारों को इंट्रोगेशन के लिए ताबे में लिया गया। अधिक इंट्रोगेशन करने के बाद जो ये 6.5 किलो का जो सॉरी 1300 किलो का जो मुद्देमाल था वो हमने हस्तगत किया, उनको अरेस्ट किया गया था। और फिर इंट्रोगेशन के बाद इसके अलावा लगभग 7 और गुन्हे उन्होंने किए हैं, इसकी उन्होंने जानकारी दी। और इसमें लगभग 21 लाख का मुद्देमाल हमने फिर से टोटल मिला के सीज़ किया है। ये 4 लोग हैं जिनके नाम है राजेश कदम, राकेश यादव, आलम और ध्रुव गुप्ता। ये चारों अलग अलग जगह से हैं, कोई नालासोपारा में, कोई चारकोप में और मस्जिद बंदर मुंबई में रहते हैं। ये चारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी काफ़ी है, जैसे कि राजेश के ऊपर लगभग 23 गुने दाखिल है, राकेश के ऊपर 7 गुने दाखिल है, ये रिकॉर्ड पे है बट हमारी जानकारी के हिसाब से कम से कम 15 से 20 उनके ऊपर गुने दाखिल है। इसी तरह से आलम के ऊपर भी रिकॉर्ड पे 3 है पर अधिक गुने होने की उसने किए करने की आशंका है। उसी तरह से ध्रुव के ऊपर 1 गुना दाखिल है। इनमें से जो राजेश, राकेश और ध्रुव हैं ये अभी 1.5 महीने पहले ही एक 307 का गुना जो था उसमें ये सज़ा भुगत के बाहर निकले हैं। तो ये जो 1.5 महीने के दौरान ही इन्होंने ये 7-8 जो ऑफेंसेस है वो किए।